गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे यूनिक्स या लाइनेक्स में प्रिंटएफ कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। तो प्रिंटएफ कमांड का जो है सबसे पहले देखेंगे कि इसका फर्स्ट यूज़ क्या है। तो प्रिंटएफ कमांड का जो फर्स्ट यूज़ है वो है प्रिंटएफ कमांड इज़ यूज्ड टू प्रिंट द मैसेज। तो यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो इसके लिए प्रिंटएफ कमांड को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके हमें टाइप करना है प्रिंटएफ और जो भी मैसेज प्रिंट कराना है, लेट सपोज मुझे एक मैसेज प्रिंट कराना है हेलो अनिल, तो इस हेलो अनिल को मुझे डबल इन्वर्टेड कोमा में रख करके एंटर प्रेस करनी है। तो इससे क्या होगा, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा हेलो अनिल। इसी तरीके से एक और मैसेज प्रिंट कराना है एंटर द नंबर या फिर एंटर द नंबर इक्वल टू। तो जब हम यूनिक्स में कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो एंटर द नंबर या फिर एंटर द नंबर इक्वल टू ये मैसेज बार बार प्रिंट कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस मैसेज को प्रिंट कराने के लिए भी हम सिंपली क्या करेंगे, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके टाइप करेंगे प्रिंटएफ और डबल इन्वर्टेड कोमा में रखेंगे एंटर द नंबर या फिर एंटर द नंबर इक्वल टू और डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो आइए इसको यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे करके देखते हैं। तो ये हमारा यूनिक्स या लाइनेक्स का कमांड प्रॉम्प्ट है। तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराएंगे सबसे पहले हेलो अनिल। तो इसके लिए मुझे टाइप करना है प्रिंटएफ डबल इन्वर्टेड कोमा में हेलो, इसके बाद अनिल डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज और एंटर प्रेस करनी है। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट के जस्ट लेफ्ट में एक मैसेज प्रिंट हो गया है हेलो अनिल। तो इस तरीके से हम मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। अब दूसरा मैसेज प्रिंट कराते हैं एंटर द नंबर। तो प्रिंटएफ डबल इन्वर्टेड कोमा में एंटर द नंबर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज और एंटर प्रेस करनी है। तो ये आ गया यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट के जस्ट लेफ्ट में आ गया एंटर द नंबर इक्वल टू। तो ये मैसेज हमें यूनिक्स की प्रोग्रामिंग में बार बार प्रिंट कराने की ज़रूरत होती है। तो हम इस मैसेज को प्रिंटएफ कमांड को यूज़ करके जो है प्रिंट करा सकते हैं। तो ये था प्रिंटएफ कमांड का फर्स्ट यूज़। इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से। तो CLEAR क्लियर और एंटर प्रेस करेंगे। ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो ये मैसेज क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि प्रिंटएफ कमांड का सेकेंड यूज़ क्या है। तो प्रिंटएफ कमांड अलॉन्ग विद स्लैश n इज़ यूज फॉर द न्यू लाइन। अब जो है हम प्रिंटएफ कमांड के साथ स्लैश n को भी यूज़ कर सकते हैं यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट को न्यू लाइन में लेने के लिए, नेक्स्ट लाइन में लेने के लिए। तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, टाइप करेंगे प्रिंटएफ और डबल इन्वर्टेड कोमा में एक मैसेज टाइप करेंगे एंटर द नंबर इक्वल टू और स्लैश एन टाइप करेंगे। तो इससे क्या होगा, पहले मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर द नंबर इक्वल टू और यूनिक्स का जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो न्यू लाइन में यानी कि नेक्स्ट लाइन में शो करेगा। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे टाइप करना है प्रिंटएफ और इसके बाद जो है एक मैसेज टाइप करना है एंटर द नंबर इक्वल टू और यूनिक्स का कमांड प्रॉम्प्ट जो है मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए इसलिए स्लैश एन डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये मैंने प्रेस कर दिया।
तो ये आ गया, पहले हमारा मैसेज आ गया एंटर द नंबर इक्वल टू, और यूनिक्स का कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो सेम लाइन में नहीं आया है, वो नेक्स्ट लाइन में, न्यू लाइन में आया है, क्योंकि ऊपर मैंने स्लैश एन को स्पेसिफाई किया है। तो ये था प्रिंट एफ कमांड का सेकेंड यूज़। इसको क्लियर कर लेते हैं, CLEAR क्लियर। अब देखते हैं कि प्रिंट एफ कमांड का थर्ड यूज़ क्या है। तो प्रिंट एफ कमांड अलॉन्ग विद परसेंट एस इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग स्ट्रिंग वैल्यू। अब मुझे कोई स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करानी है, कोई कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करानी है, या फिर कोई इंग्लिश में कोई लाइन प्रिंट करानी है, तो इसके लिए प्रिंट एफ कमांड के साथ परसेंट एस को यूज़ करना होता है। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा कर के टाइप करना है प्रिंट एफ, और स्ट्रिंग प्रिंट करानी है इसलिए डबल इन्वर्टेड कोमा में परसेंट एस, जो भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करानी है उस स्ट्रिंग या कैरेक्टर वैल्यू को डबल इन्वर्टेड कोमा में रख करके सिंपली एंटर प्रेस करेंगे, तो हेलो अनिल ये वाली स्ट्रिंग जो है यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ हेलो एक अलग स्ट्रिंग प्रिंट हो, अनिल एक अलग स्ट्रिंग प्रिंट हो, यानी कि दो अलग अलग स्ट्रिंग को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, और इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में एक हाइफन भी शो होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा कर के टाइप करूँगा प्रिंट एफ, और एक स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस, बीच में हाइफन देना है इसलिए हाइफन, फिर दूसरे स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस, डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करूँगा, और दो अलग अलग स्ट्रिंग प्रिंट करानी है इसलिए दोनों अलग अलग स्ट्रिंग को अलग अलग इन्वर्टेड कोमा में रखूँगा। तो यहाँ मैंने हेलो को एक इन्वर्टेड कोमा में रखा है और अनिल को मैंने दूसरे इन्वर्टेड कोमा में रखा है। तो हम इस तरीके से भी स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। एक तीसरा जो तरीका है वो ये है कि एक कोई वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग स्टोर करा करके मैं उस स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कोई भी एक वेरिएबल ले लूँगा, लेट सपोज एक्स वाई जेड में से मैंने वाई ले लिया। अब वाई में इक्वल करके कुछ भी टाइप कर दूंगा, कोई भी स्ट्रिंग मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे अनिल टाइप किया है, आप कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अनिल, अमित, फैन, बस, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनिल मैंने वाई वेरिएबल में स्टोर करा दिया है, और यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा कर के मैंने टाइप किया है प्रिंट एफ, और इसके बाद एक मैसेज मैंने प्रिंट किया है वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू, और स्ट्रिंग प्रिंट करानी है इसलिए परसेंट एस, यूनिक्स का कमांड प्रॉम्प्ट मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए इसलिए स्लैश एन, डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करके वाई में अनिल है इसलिए वाई की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए मैं डॉलर के साथ वाई को टाइप करूँगा। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा प्रिंट एफ, स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करानी है इसलिए परसेंट एस, इसके बाद जो स्ट्रिंग वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है उसको टाइप करूंगा हेलो अनिल, और डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज और एंटर। तो ये हेलो अनिल, ये स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट होकर के आ गई है। अब मैं दो अलग अलग स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहता हूँ, और उन दोनों स्ट्रिंग के बीच में हाइफन भी शो करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कोमा में परसेंट एस स्पेस, मैं स्पेस भी देना चाहता हूँ दो स्ट्रिंग के बीच में इसलिए स्पेस हाइफन, फिर स्पेस, फिर दूसरे स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस, डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करूँगा, और दो स्ट्रिंग ले लूँगा मैं अलग अलग इन्वर्टेड कोमा में हेलो, और ये मैंने ले लिया अनिल, और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये यहाँ पे हेलो, इसके बाद एक स्पेस, बीच में हाइफन, फिर स्पेस, फिर दूसरा स्ट्रिंग अनिल, यहाँ पे प्रिंट होकर के आ गया है। अब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ वाई, वाई में एक स्ट्रिंग स्टोर कर देता हूँ अनिल, एंटर, और
अब मैं इस अनिल को प्रिंट कराता हूँ। तो प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कोमा में एक वैल्यू रख देता हूँ मैं, वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू, और स्ट्रिंग प्रिंट करानी है मुझे इसलिए परसेंट एस, न्यू लाइन में यूनिक्स का कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए तो स्लैश एन, इसको बंद कर दूंगा। इसके बाद डॉलर के साथ वाई में वैल्यू अनिल है इसलिए वाई, और एंटर प्रेस करूंगा तो ये आ गया वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू अनिल। तो इस तरीके से हम प्रिंटफ कमांड को यूज़ करके अलग अलग तरह से स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिंटफ कमांड का थर्ड यूज़। इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से, एंटर, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं प्रिंटफ कमांड का फोर्थ यूज़ क्या है। तो प्रिंटफ कमांड का जो फोर्थ यूज़ है वो है प्रिंटफ कमांड अलॉन्ग विथ परसेंट डी इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग इंटीजर वैल्यू। अब मुझे कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है, तो इंटीजर वैल्यू का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 1 to 100, ये सारी वैल्यू इंटीजर वैल्यू होती है। तो कोई इंटीजर वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है तो इसके लिए मैं प्रिंटफ कमांड के साथ परसेंट डी को यूज़ करूँगा। तो इसके लिए सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके मुझे टाइप करना है प्रिंटफ, और इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है इसलिए डबल इन्वर्टेड कोमा में परसेंट डी, और जो इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है वो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे रखनी है तो मैंने रखा है 10, और इसके बाद एंटर प्रेस करूँगा तो 10 वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि किसी वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करके उस वैल्यू को प्रिंट कराऊँ, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स और उसमें मैंने 20 वैल्यू डाल दिया, तो एक्स इक्वल टू 20, 20 हमारा एक्स नाम के वेरिएबल में चला गया। और अब मैं क्या करूँगा, प्रिंटफ कमांड के साथ एक मैसेज टाइप करूँगा डबल इन्वर्टेड कोमा में, तो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, और इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है इसलिए परसेंट डी, और यूनिक्स कमांड मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए इसलिए पर स्लैश एन, इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करके एक्स की वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है इसलिए डॉलर एक्स। तो आइए इसको जो है यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे करके देखते हैं। तो प्रिंटफ, इसके बाद परसेंट डी डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज और 10, ये वैल्यू, ये इंटीजर वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है। इसके बाद मैं एंटर टाइप करूँगा, सॉरी एंटर प्रेस करूँगा, तो ये मेरा 10 जो इंटीजर वैल्यू है ये प्रिंट हो करके आ गई है। इसके बाद जो है एक वेरिएबल ले लिया मैंने एक्स, इस एक्स में मैंने 20 वैल्यू स्टोर करा दिया एंटर, और इसके बाद इस वैल्यू को मैं प्रिंट कराऊंगा। तो प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कोमा में एक मैसेज को प्रिंट कराऊंगा वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, इसके बाद इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है इसलिए परसेंट डी, नेक्स्ट लाइन में यूनिक्स का कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए इसलिए स्लैश एन, इसको बंद करके, और एक्स की वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है इसलिए डॉलर, सॉरी डॉलर एक्स, और एंटर प्रेस करूँगा तो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 20 यहाँ हमारा यहाँ पे आ गया है। तो ये था प्रिंटफ कमांड का फोर्थ यूज। इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कर लिया। अब देखते हैं प्रिंटफ कमांड का फिफ्थ यूज़ क्या है। तो प्रिंटफ कमांड अलॉन्ग विद परसेंट एफ इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग फ्लोट वैल्यू। अब कोई फ्लोट वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है तो इसके लिए प्रिंटफ कमांड के साथ मैं परसेंट एफ को यूज़ करूँगा। तो इसके लिए सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके टाइप करना है प्रिंटफ, और डबल इन्वर्टेड कोमा में रखना है परसेंट एफ, और इसके बाद कोई भी एक इंटीजर वैल्यू रखनी है तो ये फ्लोट, इसकी फ्लोट वैल्यू भी प्रिंट करके रिटर्न कर देगा। इसके बाद
एक वेरिएबल ले लिया मैंने, एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें 20 वैल्यू मैंने स्टोर करा दिया, और इस 20 वैल्यू को 20 वैल्यू का जो है फ्लोट वैल्यू मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा कर के टाइप करूँगा प्रिंट एफ, और डबल इन्वर्टेड कोमा में एक मैसेज टाइप करूँगा वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, और क्योंकि मुझे फ्लोट वैल्यू प्रिंट करानी है इसलिए परसेंट एफ। यूनिक्स कमांड मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो स्लैश एन डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और एक्स की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए डॉलर एक्स। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो टाइप करना है प्रिंट एफ, इसके बाद परसेंट एफ फ्लोट वैल्यू के लिए, इसके बाद 15, और एंटर प्रेस करेंगे तो ये फ्लोट वैल्यू के साथ 15 जो है ये प्रिंट होकर के आ गया। अब जो है एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, एक वेरिएबल ले लिया हमने एक्स, एक्स में हमने एक वैल्यू स्टोर करा दिया 20, एंटर, और इस 20 वैल्यू का जो है फ्लोट वैल्यू प्रिंट करानी है। तो प्रिंट एफ एक मैसेज टाइप करना है वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, इसके बाद परसेंट एफ फ्लोट वैल्यू के लिए यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, इसलिए स्लैश एन डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एक्स की वैल्यू प्रिंट करानी है इसलिए डॉलर एक्स, और एंटर। ये आ गया वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 20.000, ये फ्लोट वैल्यू है। तो ये था प्रिंट एफ का फिफ्थ यूज। अब देखते हैं प्रिंट एफ कमांड का सिक्स यूज क्या है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, CLEAR क्लियर, एंटर। तो प्रिंट एफ कमांड इज यूज टू नो द नेम ऑफ करंट शेल। अब मुझे ये जानना है कि करंट शेल का नाम क्या है, यानी कि जिस कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं नेम ऑफ द करंट शेल। तो नेम ऑफ द करंट शेल जानने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके टाइप करना है प्रिंट एफ, और एक मैसेज प्रिंट कराना है माई करंट शेल इज, और क्योंकि एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, क्योंकि करंट शेल का जो नाम आएगा वो स्ट्रिंग में होगा, इसलिए परसेंट एस स्ट्रिंग के लिए, और यूनिक्स का कमांड प्रॉम्प्ट मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए इसलिए स्लैश एन, और किसी भी करंट शेल का नाम डिस्प्ले कराने के लिए डॉलर के साथ शेल टाइप करते हैं कैपिटल लेटर में। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। तो करंट शेल का नाम जानने के लिए हम टाइप करेंगे प्रिंट एफ, इसके बाद एक मैसेज टाइप करेंगे माई करंट शेल इज परसेंट एस स्लैश एन, इसको क्लोज करेंगे, इसके बाद डॉलर और शेल टाइप करना है कैपिटल लेटर में SHELL, और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो माई करंट शेल इज स्लैश बिन स्लैश बेश, ये आ गया आपका। तो इस तरीके से हमने देखा करंट शेल का नाम कैसे डिस्प्ले कराते हैं। तो अब इसको क्लियर कर लेते हैं, CLEAR क्लियर, एंटर। तो ये था हमारा प्रिंट एफ कमांड का यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।